फाइनली आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में ही मैंने अपना 3.5 से लेकर 4 किलो वजन कम किया था, वो भी आप सभी लोगों के साथ लाइव किया है चैलेंज के साथ। हर रोज मैंने वीडियो पोस्ट की थी, लेकिन जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, नए नए जुड़े हैं, उनको बता देते हैं 7 दिन में ही मैंने अपना 3 से लेकर 4 किलो वजन कम किया था। और फ्रेंड्स, ये वजन कौन सा था, इसमें मैं पूरी मोटी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरा पेट बाहर निकला था। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो 3 से लेकर 4 किलो वजन कम हुआ है, ये था मेरा फैट लॉस, और सिर्फ मेरा बैली फैट लॉस हुआ था। तो मेरे साथ भी फ्रेंड्स वही प्रॉब्लम हुई थी जो कि मोस्टली लोगों के साथ होती है। मुझे हर रोज़ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम तो पतले हैं, हमारा वजन ज़्यादा नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेट निकला है। मेरे साथ भी फ्रेंड्स यही हुआ था, मैं पूरी मोटी नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पेट पर ही चर्बी जमा हुई थी, और ये 3 से लेकर जो 4 किलो वजन बढ़ा था वो मेरे पेट पर ही बढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो जो कि पहले का फोटो है, इसमें भी मैं पतली ही दिख रही हूँ, और 3 से लेकर जो 4 किलो वजन कम हो गया है, इसके बावजूद भी मैं सेम टू सेम ही दिख रही हूँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो पतले हैं, अगर पेट कम करेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, तो हम तो हड्डियों का ढांचा हो जाएंगे, या फिर हमें डाइट कंट्रोल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी, आपकी बहुत सारी जो कंफ्यूजन है वो भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि मेरा वजन बढ़ा ही क्यों था, क्योंकि मैं तो इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, जब पिछले महीने मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया था, और ये फ्रैक्चर ऐसा था कि चलना फिरना तक मेरा मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी रिकवरी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों तक बैठ नहीं सकती हूँ, मेरा ऐसा काम नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना होगा और अच्छे से खाना होगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पैन बहुत होता था, तो मैंने अपने पैन से बचने के लिए क्या करती थी, मैं मीठा खाया, और मीठे में मैंने खाई है चॉकलेट। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमेशा आपका वजन क्यों बढ़ता है, वजन बढ़ता है ओवर ईट करने से और स्पेशली मीठा खाने से। मैंने चॉकलेट खूब सारी खाई है, वजह से मेरा वजन बढ़ गया और सिर्फ पेट बाहर निकल गया। अब बात करते हैं इस वीडियो में कि हमने किया कैसे कम, जो कि इस वीडियो की खास टॉपिक है। तो मैंने लिया था 7 डेज का चैलेंज, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 4 से लेकर 5 चीज़ें की हैं। आपको ध्यान देना है इन सारे पॉइंट पर, और आपको आज से ही इसको फॉलो भी करना है अगर आप भी करना चाहते हैं। तो जो मैंने सबसे पहला काम किया वो था, मैंने शामिल की अपनी रूटीन में एक डिटॉक्स ड्रिंक, जो कि मैं वैसे भी कभी कभी लेती रहती हूँ, लेकिन इस दौरान मैंने रेगुलर ली है। वो थी मेरी जीरा पानी, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर मैं रोज़ पीती थी, और इसको मैंने पिया है हर रोज़ सुबह खाली पेट, और एक बार मैं खाना खाने के 1.5 से लेकर 2 घंटे बाद डेली लंच करने के बाद लेती थी। ये डिटॉक्स ड्रिंक का सबसे खास काम होता है, जो कि मैंने ओवर ईट किया है, खूब सारा खाया है, ये मेरे पेट को पूरा फ्लश करने के लिए, क्लीन करने के लिए, मेरे बॉडी को डिटॉक्स करने का इसने काम किया, और ये बहुत खास होती है। इसकी रेसिपी भी मैंने आपको इस चैनल पर पहले ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो मैंने हर रोज डिटॉक्स ड्रिंक जरूर पिया है पेट को कम करने के लिए, और जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी से फैट लॉस करने के लिए ये बहुत खास होती है। दूसरा, खाना खाने से 10 से लेकर 15 मिनट पहले एवरी डे 200 से लेकर 250 ग्राम कुकुम्बर यानी कि खीरा। खाना खाने से 10 से लेकर 15 मिनट पहले जब मैं अपना खाना लगाती थी, तो मैं इसको पूरा अच्छे से खा लेती थी, और इसका काम होता है कि सबसे पहले ये आपकी बॉडी को क्लीन बहुत अच्छे से कर देता है, आपकी गट हेल्थ को मजबूत करता है खीरा। और इसका सबसे अच्छा काम क्या होता है, इसमें कैलरीज बिल्कुल नहीं होती है, आपका पेट बहुत अच्छे से भर जाता है, और इसको पचाने के लिए भी आपकी बॉडी को काफ़ी सारा कैलरीज बर्न करना पड़ता है, इसीलिए ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देता है। तो मैंने एवरी डे 200 से लेकर 250 ग्राम खीरा जरूर खाया है, जो कि मैं खाना खाने से पहले ही खा लेती थी, उसके बाद मैं खाना खाती थी। तीसरा जो मैंने काम किया वो था, मैंने किया अपना पोर्शन कंट्रोल। ये फ्रेंड्स, पोर्शन कंट्रोल वही होता है जो मैं आपको अक्सर वीडियो में बोलती हूँ कि वेट लॉस करना है तो अपना पोर्शन कंट्रोल करना सीखिए। फ्रेंड्स, पोर्शन कंट्रोल में आप हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में, बस इसका सिंपल सा मेथड होता है। तो सबसे खास काम किया मैंने अपने पोर्शन कंट्रोल में,
अनाज की जो मात्रा होती है, जैसे कि रोटी खाते हैं, चावल होता है, मैदा है, बिस्किट है, स्पेशली जो भी अनाज है उसका पोर्शन कंट्रोल किया, उसकी जगह पे सब्जियां, सलाद, दही, ये सारी चीज़ें खाई हैं। इससे फ्रेंड्स मेरी जो कैलोरीज इंटेक है वो पहले वैसे ही कम हो गई, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और बहुत तेज़ी से फैट लॉस हुआ। क्योंकि जब आप हर कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती है, इजिली आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पाती है, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस होता है, स्पेशली आपका पेट कम होता है। तो मैंने चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कोई भी हो, मैंने पोर्शन कंट्रोल में ही खाया है, और ये बहुत ही खास स्टेप होता है वेट लॉस के लिए या फिर फैट लॉस के लिए। तो जो स्टेप था वो था फ्रेंड्स मेरा बहुत स्पेशली था, क्योंकि मुझे जल्दी से 7 दिन में कम करना था। तो डिनर में मैंने खाई है अपनी स्पेशली जो वेट लॉस खिचड़ी है, मूंग की दाल की और दलिया को जो मिक्स करके बनाते हैं, या फिर ओट्स की आप खा सकते हैं, जिसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, और इतनी ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आप इसको खाते हैं तो बहुत ही इजली, बहुत ही आसानी से आप वेट लॉस कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं, वो भी बिना भूखे रहे। क्योंकि इसको अगर आप पोर्शन कंट्रोल में नहीं भी खाते हैं तब भी ये आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं देती है। तो 7 डेज मैंने लगातार हर रोज डिनर में ये खिचड़ी खाई है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए, मेरा स्पेशली पेट कम करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप था फ्रेंड्स, ये बहुत खास था, और ये 7 डेज का चैलेंज था जो मैंने लिया था, कि 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए 4 लीटर पानी तो पीना ही है। और इस दौरान मैंने अपना 4 लीटर जो बॉटल भर के रखती थी बार बार, वो पूरी कंप्लीट की है। और फ्रेंड्स अगर आप 3 से लेकर 4 लीटर पानी पीते हैं तो हो ही नहीं सकता है कि आपका फैट लॉस ना हो, आपका वेट लॉस ना हो, पेट कम ना हो, क्योंकि इसकी वजह से आपका पोर्शन कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलती है, फैट लॉस करने में हेल्प मिलती है, आपकी बॉडी को क्लीन होने में हेल्प मिलती है, और आपको बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि वेट लॉस होने के बाद चक्कर से आ रही, कमजोरी आ रही है, अगर आपने सही से पानी का इंटेक किया है तो आपको ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि ज़्यादातर वो प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि जब हमारा वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, तो हमारा वाटर लॉस भी होता है, इसीलिए हमें वाटर इंटेक पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि मैंने दिया। तो ये तो थी मेरी डाइट में बदलाव जो मैंने किए, लेकिन जो सबसे खास चीज़ थी जो हमने 7 डेज चैलेंज के दौरान किया था वो था वर्कआउट। डेज हमने कंटिन्यू एक्सरसाइज की है, और ज़्यादातर एक्सरसाइज थी वो थी हमारी एब्स एक्सरसाइज, यानी कि पेट को टारगेट करके की है, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी थी जिसमें हमने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, वो भी ज़रूरी होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेस थी वो ऐसी थी कि हमने अपने पेट को ही टारगेट किया, क्योंकि पेट ज़्यादातर कम करना था, वही प्रॉब्लम थी। ये सिंपल से 5 से लेकर 6 स्टेप लिए, जिसकी वजह से 7 दिन में ही 4 किलो वजन कम हो गया, और जो पेट निकला था इतना ज़्यादा वो बिल्कुल कम हो गया, जिसकी आप फोटो सामने देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि ये आप सही से वेट लॉस करते हैं, सही से फैट लॉस करते हैं, तो आपकी बॉडी वहां से फैट लॉस करती है जहां पर एक्स्ट्रा फैट जमा है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप तो हड्डियों का ढांचा हो जाएंगे पेट कम करने के लिए, तो ये नहीं है, इसका मेथड आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहा होगा, आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा था 7 डेज के अंदर ही जरूर पसंद आया होगा।